In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to Nishul Murtaza. Okay, in yesterday's lesson, we completed chapter number 5. And today, we are going to do the exercise of chapter number 5. Exercise. Today, we are going to do exercise. The piece of string. Exercise of the piece of string. Okay, first let's start with reading notes. First word is appetizing. Hanji, appetizing ka kya matlab hota hai? Attracting. Bhookh badha dene wala. Appetizing mean? Bhookh badha dene wala. Aur iska synonym kya banega? To make feel hungry. Aur kya hai? Attracting, enticing. ठीक हो गया. अट्रैक्टिंग भी होता है इसका, एंटाइसिंग भी होता है, और टू मेक फील हंग्री भी होता है, जो भूख को बढ़ा देने वाला. एपिटाइजिंग भूख को बढ़ा देने वाला. स्टार्व्ड का मतलब क्या होता है जी? मोटा, ताजा, हट्टा कट्टा. वेरी हेल्दी और वेरी हेल्थी. स्ट्रॉन्ग. अस्टॉन्डेड. अस्टॉन्डेड का मतलब क्या होता है बेटा? हक्का बक्का, हैरान और परेशान. शॉक्ड. Astounded का synonym क्या बन जाएगा? Shocked. Exasperating. Exasperating. वसीला. Irritating. Annoyed. और irritated. ठीक है. Exasperating का मतलब क्या होता है? वसीला. उर्दू में क्या कहते हैं इसको? वसीला. वसीले अंदाज में कहा. ठीक है. Exasperating तो synonym क्या बनेगा? एक तो इसका irritating हो गया और annoyed भी होता है. Annoyed भी होता है और angry भी होता है. Indignation कहते हैं anger को, गुस्से को. ठीक है. Indignation मीन anger, annoyance. और क्या बन सकते हैं इसका? Anger. Rage. Wrath. 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 गुस्सा. Public prosecutor मीन यानी कि सरकारी वकील. लीगल ऑफिशियल ऑफ द स्टेट. लीगल ऑफिशियल ऑफ द स्टेट. क्यूरोसिटी. क्यूरोसिटी तजस्सुस. वेरी नाइस. क्या होता है इसका मतलब? तजस्सुस. ईगरनेस. इनक्यूजिटिवनेस. इनक्यूजिटिवनेस और ईगरनेस. रास्कल कहते हैं बदमाश को. ठीक है. रास्कल. अनेव. अनेवी. नेव. और क्या बनेगा इसका? जी डेविल. विलन और डेविल. हैवक कहते हैं तबाही को. डिस्ट्रक्शन. डेवेस्टेशन. वो क्या हो गया? डैमेज. ठीक है. हैवक मीन तबाही. अच्छा बेटा, आगे है चूज द करेक्ट आंसर. चैप्टर आपने पढ़ा है, आंसर आप बताइएगा. द रिच पीपल गैदर एट अ बिग हॉल फॉर अ ग्रेट मील. जो अमीर लोग थे वो एक बड़े हाल में इकट्ठे हुए. किस लिए इकट्ठे हुए थे? एक दावत के लिए. व्हाट वाज द पब्लिक स्टेटमेंट मेड बाय द ड्रम बीटर. ढोलची ने क्या, कौन सा ऐलान किया था? लॉस ऑफ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग एंड बिजनेस पेपर. तो ए आंसर इज करेक्ट. मिस्टर ह्यूबर्ट वो सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड when the police officer asked him to accompany him to the mayor's office. तो मिस्टर ह्यूबर्ट कब हैरान और परेशान हो गया? जब पुलिस ऑफिसर ने उसे कहा क्या आप मेरे साथ मेयर के दफ्तर तक चलेंगे, तो इस बात ने उसको परेशान कर दिया. By my word of honor, I never heard of it means. मैं अपने इज्जत की कसम खाता हूँ कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना. इसका क्या मतलब होगा? Being an honorable man, he didn't pick up the lost object. So which is the correct answer? A, B, C, D में से? B is the correct one. What did Hubert say in the most exasperating tone? Hubert ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में क्या कहा था? It is nevertheless truth of the good God does get. Secretary, okay, it is. So C answer is correct. It is nevertheless truth of the good God, the sacred truth. What were the feelings of Hubert when he was informed of the recovery of the lost object? And क्या feelings थे Hubert की जब उसे बताया गया कि जो lost object है, बटवा है, वो मिल गया है? He felt
triumphed. वो सुरखरू हुआ. Triumph में सुरखरू होना, to get victory, फतह हासिल करना. But he only met with incredulity or incredulity means that he was believed lying. ठीक है, उस पर ये यकीन किया गया कि ये झूठा है, झूठ बोलता है. What did people say behind his back? लोग उसकी पीठ पीछे क्या कहा करते थे? Those are lying excuses. Okay, what did Hubert feel? Hubert क्या महसूस करता था? Hubert ने क्या महसूस किया? Shame and disgrace to his self-esteem and character. What were the last words Hubert uttered before his death? अपनी मौत से पहले Hubert ने आखिरी अल्फाज कौन से कहे थे? A piece of string by my word of honor, I did not lie. तो कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें? Option A. जी, विच इज द करेक्ट आंसर? A. A piece of word, a piece of string, a piece of string. ओके, आगे इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. Why did Manana accuse Hubert of picking up the last pocketbook? Manana ने Hubert पर गुमशुदा बटवा उठाने का इल्जाम क्यों लगाया था? डिड वाला क्वेश्चन है, तब इसका आंसर दोगे तो आगे आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना. हाँ जी, आप बताएं क्या बनेगा इसका आंसर? Manana accused the old man because he had seen the letter picking something from the ground. He thought that old man had picked up the pocketbook. Had picked up the pocketbook. अब Manana accused, ठीक है, Manana did है ना पीछे, तो आगे आंसर देते हो आप क्या लगाओगे? Manana accused Hubert of picking up the last pocketbook because he had seen him picking something from the ground. क्योंकि Manana ने Hubert को जमीन से कुछ उठाते हुए देखा था. And he thought that it was a pocketbook, but in fact it was a piece of string. अब Manana ने ये समझा कि इसने पॉकेटबुक उठाया, हालांकि उसने क्या उठाया था? रस्सी का टुकड़ा उठाया हुआ था, उठाया था पीस ऑफ स्ट्रिंग उठाया था. What did people think of Hubert when they heard the return of the pocketbook by some other person? Why? अब ये भी डिड वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देते हुए क्या आप तो कौन सा फॉर्म यूज करोगे? सेकंड फॉर्म. What did people think of Hubert? तो लोग Hubert के बारे में क्या सोचते थे जब उन्होंने सुना द रिटर्न ऑफ द पॉकेट बुक बाय सम अदर पर्सन? जब किसी और शख्स ने पॉकेट बुक को लुटा दिया तो लोग Hubert के बारे में क्या सोचते थे? जी, पीपल डिड नॉट बिलीव द ओल्ड मैन्स स्टेटमेंट. लोगों ने बूढ़े आदमी के बयान पर बात पर यकीन नहीं किया. जी, दे सेड दैट दोज वर लाइंग एक्सक्यूजेस. वेरी नाइस. दे सेड दैट दोज वर लाइंग एक्सक्यूजेस. वो कहते थे कि ये सारे झूठे बहाने हैं. Rather, they made fun of the old man. और वो बूढ़े का मजाक उड़ाते थे. Why did George give pocketbook to his employee? George, important question है. That is very important question. George ने pocketbook अपने मालिक को, employer को क्यों वापस कर दी, लौटा दी? As George did not know how to read, he gave the pocketbook. How to read? As George did not know how to read, that's why. He gave the pocketbook to his employer. अब जॉर्ज को पढ़ना नहीं आता था, ठीक है, इस वजह से उसने क्या किया, पॉकेटबुक अपने मालिक को दे दी. जी, सो दैट ही माइट कन्वे इट टू इट्स ओनर. ठीक है, सो दैट ही माइट कन्वे इट टू इट्स ओनर, ताकि जो उसका एम्प्लॉयर है वो इसके पॉकेटबुक के ओनर को ही वापस कर दे, लौटा दे. व्हाट मेड Hubert शेमफुल? किस चीज ने Hubert को शर्मिंदा कर दिया था? People considered the old man to be a liar. लोगों ने बुरे आदमी को झूठा समझा. They made him shameful. He said that there was nothing too shameful as to be called a liar. ठीक है, तो लोग उसको कहते थे कि ये झूठे बहाने बनाते हैं, ये झूठा है. Hubert क्या कहता था? There is nothing so shameful as to be called a liar. इससे बढ़कर शर्मिंदगी की और कोई बात नहीं हो सकती कि लोग आपको झूठा कहें. Why did people make fun of his innocence? लोग उसकी मासूमियत का मजाक क्यों उड़ाते थे?
द ओल्ड मैन वॉज अ पुअर कंट्रीमैन क्योंकि वो एक गरीब देहाती आदमी बिकॉज द ओल्ड मैन वॉज अ पुअर कंट्रीमैन People neither respected him or not believed him to be innocent. People neither or neither respected him nor believed him. ना ही लोग उसकी इज्जत करते थे ना उस पर यकीन करते थे. They rather made fun of him. They rather made fun of him. बल्कि वो उसका मजाक उड़ाते थे. Rather नहीं बल्कि. Okay आगे है. Why did he keep claiming his innocence before his death? मरने से पहले वो अपनी मासूमियत का दावा क्यों करता रहा? He was a man of honor. People. He was a man of honor. वो काबले इज्जत आदमी था. People considered. इज्जतदार आदमी था. To be a liar. People considered him to be a liar. लोगों ने उसको झूठा समझा. This hurt his soul. This hurt his soul. इसका उसकी रूह पर असर हुआ. Therefore he kept on trying to. Therefore he kept on claiming his innocence before his death. इस वजह से वो मरने से पहले अपनी मासूमियत का दावा करता था. ओके दिस आर द क्वेश्चन आंसर्स. नाउ क्वेश्चन 6 पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस. जी आई वो सीन विद द पॉकेट बुक. तो आई छोटा लिखा हो तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल. आई हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में हो, एंड में हो, दरमियान में हो. जब आई अकेला लिखा जाता तो दैट इज ऑलवेज कैपिटल. तो आई वो सीन विद द पॉकेट बुक. मुझे बटुआ उठाते हुए देखा गया था. तो पॉकेट बुक से पहले क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क. आई वाज सीन विद द पॉकेट बुक. मुझे जेबी डायरी उठाते हुए, मुझे बटवा उठाते हुए देखा गया था. क्वेश्चन मार्क. अच्छा हु का डब्ल्यू क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा. हु सो मी, मुझे किसने देखा? जिसके बाद क्या करेंगे? हु सो मी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. और कामास जी क्लोज हो जाएंगे ना. नोटेड कामास क्लोज. मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सो यू पिक अप द पॉकेट बुक. मिस्टर का क्या हो जाएगा? एम कैपिटल हो जाएगा. और मिस्टर आर के बाद क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे. ठीक है. मिस्टर मनाना के बाद क्या आएगा? कॉमा आएगा. द हार्नेस मैन सो यू पिक अप द पॉकेट बुक. और ये भी इन्वर्टेड कामास के देखें. आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक. हु सो मी, ये इन्वर्टेड कामास के अंदर चले जाएंगे दोनों सेंटेंसेस. ठीक है. उसके बाद मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सो यू पिक अप द पॉकेट बुक. ये वाला सेंटेंस भी किसमें चला जाएगा? इन्वर्टेड कामास के अंदर चला. ठीक हो गया. तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन पंक्चुएशन. टुमारो वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 6. ओके जी. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.